વાપીના ચોલા વિસ્તારમાં આવેલ મહાલક્ષ્મી નગર સોસાયટીમાં કોમન પ્લોટના વિવાદનો મુદ્દો સિટી સર્વે કચેરી સુધી પહોંચ્યો છે। વાપીની મહાલક્ષ્મી નગર કોઓપરેટિવ હાઉસિંગ સોસાયટીના કોમન પ્લોટ કબજે મૂળ માલિકના વારસદારોએ કરવાનો પ્રયાસ કરતા વિવાદ ઉભો થયો છે, જે અંગે સિટી સર્વેમાં રજૂઆત કરવા માટે આવતા નકશાના આધારે ફરીથી સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો છે। ये हमारी महालक्ष्मी नगर सोसाइटी में हम लोग 1987 से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन 35 साल के बाद कुछ लोगों ने हमारा जो एक कॉमन प्लॉट है पूरी सोसाइटी के अंदर हम लोगों को जो एन ए कॉपी दिया गया था उस कॉपी के अंदर उल्लेख किया गया है कि प्लॉट नंबर 24, 42, 53, 54 और 55 ये सभी प्लॉट कॉमन रहेगा और आकाश की तरफ खुला रहेगा, ऐसा एन ए कॉपी के अंदर उल्लेख किया गया है और वो कॉपी हमारे पास अभी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने जो हम उनको पहचानते भी नहीं है आके कुछ टाइम पहले फेंसिंग करने के लिए आए थे, तो सोसाइटी का सभी लोग इधर जमा होके उनसे बात किया, फिर वो लोग चले गए। लेकिन कुछ टाइम से हमने वकील की सलाह ली तो उसने बोला कि आप चेतावनी बोर्ड लगाओ, तो हमने वहाँ एक चेतावनी बोर्ड लगाया गया था, वो लोगों ने कल परसों आके वो बोर्ड भी तोड़ के गाड़ी में डाल के लेके गए। वो गाड़ी का नंबर भी है JJ15CD1526, ये नंबर की गाड़ी के अंदर वो बोर्ड डाल के वो लोग लेके गए। वो कौन आए थे, कल शाम को कुछ 4-5 बजे आए थे, हम लोग कोई इधर हाजिर थे नहीं, और बच्चे लोगों को भी कुछ बोल के डरा के धमका के बोल के बोर्ड तोड़ के चले गए। तो हम लोग रात को सब लोग जमा हो के, पूरे सोसाइटी का मेंबर लोग जमा हो के पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कंप्लेन भी किया गया है, और हमको सबको ये फंसाने के लिए कुछ लोग ये ओपन प्लॉट के ऊपर नज़र रख के उसके ऊपर कब्जा जमाना चाहते हैं और हम लोगों को उसके अंदर फंसाना चाहते हैं। और हमारे विरुद्ध वलसाड महिला पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेन भी किया गया है, तो आज हमको बुलाया है, तो हम सोसाइटी के सब आदमी लोग हम जाने वाले हैं, तो क्या होता है अभी आगे देखेंगे। उसका कुछ आगे हमने चेक करवाया था तो ये सिटी सर्वे हमारा नाम सोसाइटी के नाम पर बोल रहा है, ऐसा हमको मालूमात है। आज की तारीख में क्या है ये आपने जो ऊपर चेगा, आज की तारीख में क्या है वो हमको वापस जाके चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा।